इधर न्यूजीलैंड भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। रांची में आदिम जनजातियों की नाबालिग लड़कियों को कौशल विकास के नाम पर बिना माता पिता की जानकारी के बहला फुसला कर राजकीय राजधानी रांची लाया गया था। इन्हें कई विधाओं में प्रशिक्षण देने की बात की गई थी। इस मामले में कोतवाली थाना में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्लैनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। समझिए पूरा मुद्दा इस हमारे खास रिपोर्ट में। झारखंड के लातेहार जिले की रहने वाली आदिम जनजाति की 8 बच्चियां अपने गांव से अचानक लापता हो गई और फिर रांची के प्लैनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कौशल विकास केंद्र से बरामद होने के मामले में अब न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। रांची के कोतवाली स्थित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में मामला दर्ज किया गया है। संस्था पर आरोप है कि बिना माता पिता की जानकारी के फर्जी दस्तावेज के आधार पर कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो हमारे पास JSLPS का एक लेटर आया है, वो लेटर उन्हीं के माध्यम से आया है जिस जगह पे बच्चियां थी। उस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो 8-9 बच्चियां आई थी इनके बारे में हमें नहीं पता। झारखंड के विभिन्न सामाजिक एवं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के सामने लातेहार में शिकायत दर्ज की गई कि गांव की 8 नाबालिग बच्चियों को झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी के संदीप नामक व्यक्ति द्वारा माता पिता के बिना सहमति के बच्चियों को रांची के देवी दर्शन रोड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो लड़की ने हम लोग को ठग के लाई कि पैसा मिलेगा, 3 महीना में 1 महीना में 13,000 पैसा मिलेगा। ठग के लाई वो लड़की, तो हम लोग बोले, हम लोग सब चल बोली ना कि मत बोलना, मम्मी पापा को भी मत बोलना, क्या बोलते हैं प्रधान के भी नहीं बोलना, घर के तो नहीं जाने देंगे। हम लोग कल लेबर डिपार्टमेंट भी गए थे डोरंडा, वहाँ भी हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग मिला। जानकारी ये मिली कि 18 साल से 35 साल के बच्चों को ही मतलब के ट्रेनिंग दिया जा सकता है और हम लोग ये देख रहे हैं कि इनका जो सर्टिफिकेट है, इनका सर्टिफिकेट में 17 साल दिख रहा है। संस्था के द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र के सहारे प्रशिक्षण देने के मामले और बिना माता पिता की जानकारी के 8 बच्चियों का लातेहार से रांची आना कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा करता है। इसलिए अब पूरे मामले की जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की पुलिस करेगी। कैमरामैन कौशल के साथ रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।